नमस्कार दोस्तों, द ग्रैंड डायरी हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको और आपके प्रियजनों को द ग्रैंड डायरी यूट्यूब चैनल की ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल सावन की पूर्णिमा पर मनाया जाता है। इस साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि कब है, इसे लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। रक्षाबंधन का त्यौहार इस बार 2 दिन मनाया जाएगा, क्योंकि रक्षाबंधन को लेकर 2 तरह के मतभेद सामने आ रहे हैं। कोई 30 अगस्त तो कोई 31 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाने की बात कर रहा है। सनातन धर्म में रक्षाबंधन पर्व का विशेष महत्व रहता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र अर्थात राखी बांधती है और उनके सफल जीवन की प्रार्थना करती है। वहीं भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं। आइए जानते हैं कि इस साल रक्षाबंधन का पर्व किस दिन मनाया जाएगा, राखी बांधने की सही डेट कब है, इस दिन भद्रा टाइम क्या है और राखी बांधने का शुभ समय कब से कब तक रहेगा। पर पहले आप सभी ऐसी ही रोचक जानकारियों व तथ्यों के लिए हमारे चैनल द ग्रैंड डायरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। रक्षाबंधन वैदिक काल से अब तक। भविष्य पुराण के मुताबिक सबसे पहले इंद्र को उनकी पत्नी शची ने रक्षा सूत्र बांधा था, जिससे इंद्र को युद्ध में जीत मिली। वामन पुराण में बताया है कि लक्ष्मी जी ने भी राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था। इसके बाद वैदिक काल में निरोगी रहने, बुरी ताकतों और दुर्भाग्य से बचने और लंबी उम्र की कामना से योग्य ब्राह्मण श्रवण नक्षत्र में लोगों को रक्षा सूत्र बांधते हैं। बाद में ये ही सूत्र राखी में बदल गया और भाई बहन का त्यौहार बन गया। जाने क्या होती है भद्रा। धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार भद्रा शनिदेव की बहन और भगवान सूर्य व माता छाया की संतान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा का जन्म दैत्यों के विनाश के लिए हुआ था। जब भद्रा का जन्म हुआ तो वो जन्म लेने के फौरन बाद ही पूरे सृष्टि को अपना निवाला बनाने लगी थी। इस तरह से भद्रा के कारण जहाँ भी शुभ और मांगलिक कार्य, यज्ञ और अनुष्ठान होते, वहाँ विघ्न आने लगते हैं। इस कारण से जब भद्रा लगती है, इस दौरान किसी भी तरह का शुभ और मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है। भद्रा में किया गया शुभ कार्य कभी भी सफल नहीं होता। पौराणिक कथा के अनुसार रावण की बहन ने भद्राकाल में ही राखी बांधी थी, जिसके कारण रावण का भगवान राम के हाथों नाश हुआ था। कब बांधी जा सकेगी राखी। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। सावन महीने की पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त की सुबह 10:58 से शुरू होगी। वहीं अगले दिन 31 अगस्त की सुबह 7:05 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। भद्रा की शुरुआत भी 30 अगस्त की सुबह 10:58 से होगी और रात 9:01 पर समाप्त होगी। 30 अगस्त की रात में 9 बजे के बाद राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है। 31 अगस्त को सावन की पूर्णिमा सुबह 7:05 तक इस समय में भद्रा नहीं है। ऐसे में 31 अगस्त की सुबह 7 बजे तक राखी बांधी जा सकती है। भद्रा की वजह से साल रक्षाबंधन 2 दिन 30 और 31 अगस्त को मनाया जाएगा। 30 अगस्त 2023 को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रात 9:01 से रात 12 बजे तक। 31 अगस्त 2023 को राखी बांधने का मुहूर्त सूर्योदय काल से सुबह 7:05 तक। रक्षाबंधन की कथा। मान्यता है कि महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने 100 गाली देने पर राजा शिशुपाल का सुदर्शन चक्र से वध कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी उंगलियों से खून बहने लगा और वहां मौजूद द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगलियों में बांध दिया। जिसके बाद भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को हर संकट से बचाने का वचन दिया। तभी से रक्षाबंधन के दिन भाई की कलाई में राखी बांधी जाती है। जाने राखी बांधने का नियम। रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले राखी भगवान श्री गणेश, शिव जी, हनुमान जी और श्री कृष्ण जी को बांधना शुभ होता है, इसलिए आप इन्हें राखी बांधना न भूलें। रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते समय शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें। राहु काल या भद्रा काल में भूलकर भी भाई को राखी न बांधें। रक्षाबंधन के दिन काले धागे की राखी, टूटी फूटी या खंडित राखी अपने भाई को नहीं बांधें। ऐसी राखी बांधने से अशुभ फल मिलता है।
ऐसी मान्यता है। प्लास्टिक और अशुद्ध चीजों से बनी राखी, अशुभ चिन्ह वाली तथा भगवान की फोटो युक्त राखी भूलकर भी न बांधें। भाई को राखी बांधते समय सिर ढकना न भूलें। ध्यान रहे कि भाई और बहन दोनों का सिर ढका हुआ हो। राखी बांधते समय राखी का मंत्र जरूर पढ़ें। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वं प्रति बद्धनामि रक्षे माचल माचला। अपने भाई को राखी बांधने के पूर्व तिलक करते समय रोली या चंदन ले सिंदूर से तिलक न करें, अक्षत खंडित न हो इसका पूरा ध्यान रखें। राखी बांधने के पश्चात भाई अपनी बहन के पैर अवश्य छुएं। एक बार फिर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे जरूर शेयर करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल द ग्रैंड डायरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।